ऐसा कहा जाता है कि हम जैसा सोचते हैं हमेशा वैसा नहीं होता है। कुछ तो ऐसा है जो भविष्य के गर्भ में भी रखा जाता है। जी हाँ, हरियाणा इसका एग्जाम्पल बन के उभरा है। जिस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंट हो चुकी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है वहां पर, वहां के रिजल्ट्स को देखते हुए राजस्थान उपचुनाव पर कितना बुरा असर पड़ने वाला है, कैसे पायलट की मेहनत पर पानी फिर गया है, क्यों फिर गया है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और उपचुनाव पर कितना असर पड़ेगा इन सब चीजों का वो भी आपको बताएंगे इस विश्लेषण में। इसलिए सुनने के लिए, जानने के लिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से तूफानी रैलियां हो रही थी, पायलट की धड़ाधड़ वहां हरियाणा में देख लीजिए, जम्मू में देख लीजिए। अभी हम बात कर रहे हैं हरियाणा की, पहले हम बात कर रहे थे कि हरियाणा में राजस्थान का और राजस्थान की राजनीति का असर पड़ेगा, और अब जब हरियाणा के रिजल्ट्स आ चुके हैं तो उसका असर जो राजस्थान में होने वाले उपचुनाव है उन पर कितना गहरा पड़ेगा, किस तरीके से पायलट की मेहनत पर पानी क्यों फिरा? देखिए, पायलट की मेहनत पे सिर्फ पानी नहीं फिरा, यहाँ सुनामी आ गई है पूरी। और पायलट की मेहनत ही नहीं, जो कांग्रेस की उम्मीदें थी उन पर भूकंप आ चुका है, त्रासदी हो चुकी है, वो सब खत्म हो चुकी है। और जो आस आसरे नजर आ रहे थे इंडिया गठबंधन को, वो हरियाणा के चुनाव के रिजल्ट से इस तरह से तहस नहस हुए हैं, तबाह हुए हैं, खत्म हुए हैं, पूरी तरह से विनाश हो गया है। वो विनाश, ये इंडिया गठबंधन के ब्रह्मांड का भी विनाश है, आप इस बात को समझिए। बहुत सपने संजोए थे कि हरियाणा जीत जाएंगे, उसके बाद महाराष्ट्र जीत जाएंगे, उसके बाद दिल्ली जीत जाएंगे, बीच में राजस्थान का उपचुनाव जीत जाएंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से होल्डिंग्स लग रहे थे, जिस तरह से बयान आ रहे थे, जिस तरह से बातें हो रही थी, जिस तरह से हर जगह मुलाकातें हो रही थी, जो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था, वो तो हर बार यही कह रहा था, हरियाणा तो हम जीत गए। लोकसभा चुनाव में पासा पलटा जरूर, 25 में से 25 सीटों की हैट्रिक टूटी जरूर, लेकिन क्या उसके बाद मामला ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, ये देखना पड़ेगा। या फिर इसको देखने का दूसरा नजरिया भी हो सकता है जो पायलट के लिए फायदेमंद हो सकता है, कि देखो राजस्थान से तुमने अशोक गहलोत को आउट किया, हमने राजस्थान जिता के दिया लोकसभा चुनाव में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्यों नहीं आउट करते तुम हरियाणा से, उनको आउट करो और फिर देखो क्या होता है। क्यों नहीं तुम पारिवारिक पॉलिटिक्स का, जो भूपेंद्र हुड्डा, फिर उनका बेटा दीपेंद्र हुड्डा यही काम कर रहे हैं, इसको थोड़ा ठीक करो और फिर देखो क्या होता है। या जो बूढ़े लोग हैं उनको हटाकर एक बार देखो तो सही, ये मैसेज अगर आलाकमान तक पहुंचता है तो बड़ी बात होगी। लेकिन आप समझिए कि इंडिया गठबंधन में हौसला बनना शुरू ही हुआ था, ऐसा नहीं था कि हौसला चरम पर पहुंच गया था, वो बनना अभी शुरू हुआ था। उस हौसले के साथ पायलट को सम्मान भी मिलना शुरू ही हुआ था। शुरुआती तौर पे ही उस पे अगर इतना बड़ा धक्का लग जाता है तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। अब सचिन पायलट को ये चाहिए कि हरियाणा के चुनाव के बावजूद भी राजस्थान के उपचुनाव पे कोई असर नहीं पड़े, क्योंकि देखिए ये एक लहर होती है, चुनाव जीतना किसी भी राज्य में एक लहर के जैसे आता है। और अब अगर ये लहर भाजपा ने तरीके से चला दी, लहर की आप बात कर रहे हैं तो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी कि जिस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं तो मोदी लहर जो वर्ड्स हैं वो वापस सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो गलत फहमियां लोकसभा चुनाव के वक्त फैलाई गई थी वो दूर हो गई, उसका ये परिणाम है, या फिर जनता का मूड बदल रहा है, ये बदलाव क्यों, किस तरीके से ये जो सरप्राइज मोमेंट्स आए हैं वो क्यों? देखिए कभी कभी मैं आपको बताऊं, चोट लगना अच्छा होता है, पता तो पड़ता है कि दर्द कैसा हो रहा है, पता तो पड़ता है कि चोट से आगे कितने ज्यादा दर्द हो सकते हैं, ऐसी चोटें और लगी तो कितना बड़ा दर्द हो सकता है। यही हुआ है लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में, और ये बीजेपी के लिए फायदे का सौदा इसलिए साबित हो रहा है, लोगों को पता चला सरकार अगर अनस्टेबल हो गई तो क्या होगा, मार्केट खत्म हो जाएंगे, अगर
मोदी जैसा सशक्त लीडर जो है उसके उसको डावल डोल किया, उसके लिए नुकसान कम, हमारे लिए नुकसान ज्यादा है। इस बात को समझने में जो वक्त लग रहा था वो वक्त अगर बीजेपी ने दे दिया, ये तो हो सकता है पॉइंट नंबर एक। पॉइंट नंबर दो, क्या पता बीजेपी ने कोर्स करेक्शन कर लिया, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से आरएसएस का साथ छोड़ा था, आरएसएस की बात माननी छोड़ दी थी, जो कहीं ना कहीं मेजर रीजन दिखाई दे रहा था लोकसभा चुनाव की हार का, वो बीजेपी ने ठीक कर लिया हो और आरएसएस ने फिर से अपना दम लगा दिया हो, क्योंकि आरएसएस इतना बड़ा बैकडोर ऑर्गेनाइजेशन है जो पीछे से ग्राउंड पे इतना काम कर देता है कि पूरी की पूरी लहर जो है बदल सकता है। कांग्रेस के पास उसका अल्टरनेटिव एक वक्त पे था सेवादल, लेकिन वो सेवादल बिल्कुल भी अभी काम नहीं करता, पूरी तरह से निष्क्रिय पड़ा हुआ है। इसकी वजह से भी ये बदलाव हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी वजह रही, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के जो हौसले बुलंद होना शुरू हुए थे उसको अपनी शुरुआत पे ही कुचल दिया गया है, और अब ये कुचले हुए हौसले से किस तरह से राजस्थान में उपचुनाव का प्रचार वापस तेज करेंगे। हालांकि हैविंग सेड दैट, राजस्थान में जो भाजपा की सरकार काम कर रही है वो आज भी कमजोर है जी। लेकिन ये भी मैं जानना चाहूंगी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप राज्य स्तर पर जब चुनाव होते हैं तो क्षेत्रीय राजनीति, जातिगत राजनीति, ये सारे समीकरण काम करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या राष्ट्रीय राजनीति ने भी वहां पर कोई इम्पैक्ट डाला है? हरियाणा में जिस तरह से पासा पलट गया है, रुझान कुछ और थे, रिजल्ट्स कुछ और आ रहे हैं, और उनकी वजह से ही अगर रणनीति राजस्थान में बनाई जाए तो क्या वो कारगर साबित हो जाएगी बीजेपी? देखिए, पहली बात तो आप इस बात को समझिए कि पैसा राज्य में जो आता है उसका एक बड़ा पोर्शन केंद्र सरकार से ही आता है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर एक ही रहती है तो पैसा का फ्लो भी ढंग से आता है, डेवलपमेंट भी ढंग से होता है, सब कुछ ढंग से होता है जी। और प्रैक्टिकल बात यह है कि लोगों को इस दरमियान समझ में आ गया जी कि अगर हम बीजेपी की सरकार को नॉन स्टेबल करते हैं तो कितना नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ वैश्विक मंदी भी है, अमरीका में कंपनियां बंद हो रही है, जिसके लिए पूरी तरह से बात चल रही है कि फरवरी बाद से या थोड़े टाइम बाद से रिसेशन का दौर आना शुरू होगा, और ये भी सब जानते हैं कि रिसेशन का दौर भारत में पहले ही आ चुका होता अगर मोदी नहीं होता तो वहां से अगर अकलमंदी आई होगी तो भी ये काम हो सकता है। लेकिन बड़े तौर पे मुझे ये लगता है कि आरएसएस से को मना लिया गया है, आरएसएस की शक्ति वापस बीजेपी के पास आ गई है और उसके कारण ये हुआ। लेकिन इसका जो असर है राजस्थान के उपचुनाव में तब पड़ेगा जी। हालांकि एक अच्छा असर पड़ सकता है जो मैं साफ तौर पर देख रहा हूं कि नाराज किरोड़ी मान सकते हैं बीजेपी को वापस सशक्त होकर दिखते हुए जी। जो गेम प्लान वसुंधरा राजे या और दूसरी तरफ से हो रहा था राजस्थान में डावाडोल स्थिति करने का, वो शांत हो सकता है जी। और सबसे बड़ी बात ये हो सकती है राजस्थान की राजनीति में कि यहां पर अगर अब बीजेपी की सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ, एसआई भर्ती के खिलाफ बड़े कदम उठा लिए तो सब कुछ सामान्य हो सकता है, क्योंकि एक तरफ ये जीत है। अब आप यहां पर एक बड़ा अपडेट हमारे दर्शकों के लिए ये है कि जो कमिटी एसआई भर्ती के लिए बनाई गई थी उस कमिटी ने साफ तौर पर इंडिकेशन दे दिया कि इसी हफ्ते में कुछ ठीक हो जाएगा जी। और सरकार को ये बता दिया है कि भाई गड़बड़ी थी एसआई भर्ती में, अब कमेटी बना दी, जोगाराम पटेल उस कमेटी को चेयर कर रहे हैं, उन्होंने साफ साफ इस बात को कह दिया है, मीडिया में बाइट दे दिए कि हफ्ते भर में कुछ गुड न्यूज आ जाएगी। अगर ये हो जाता है और ठीक इस जीत के बाद हो जाता है तो ये बहुत जगह पासा पलट सकता है। हालांकि बीजेपी के चांसेस दो या तीन जगह ही बनते हैं, उससे ज्यादा जगह नहीं बनते। उपचुनाव में जो इतिहास रहा है उसको पूरी तरह से पलट पाना तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर इन सात सीटों में से बमुश्किल एक सीट जो मानी जा रही थी उसके अलावा भी मान लीजिए एक या दो सीट में भी बढ़त बनाती है बीजेपी, तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा प्लस। देखिए, रामगढ़ और रामगढ़ के साथ साथ
ये जो सीट है मेवाड़ की, जो अमृतलाल मीणा जिसमें का निधन होने के बाद जो सीट सलूमर की खाली सीट है, ये दो सीटों पर भाजपा के पास स्कोप है और अगर इन दो सीटों पे काम होता है तो काफी कुछ हो सकता है। अब देखना ये होगा कि इन दो सीटों पर कैसे होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा अभी एक और समीकरण देख रही है कि झुंझुनू में ब्रिजेंद्र ओला तो खुद तो खड़े होंगे नहीं, उनका बेटा या उनकी वाइफ खड़ी होगी, अभी टिकट क्लियर उसमें भी नहीं हुआ है। तो क्या जितना सपोर्ट ब्रिजेंद्र ओला को खुद को मिल रहा था उतना सपोर्ट वाइफ को मिलेगा, अब मिलेगा, इस बात का भी फायदा उठाया जा सकता है। और अगर बीजेपी ने दो काम कर दिए, एसआई भर्ती और वो वाला काम तो कर ही दिया तो बेहतर हो जाएगा, दूसरा काम अगर कैबिनेट रिशफल करके यहाँ सोशल इंजीनियरिंग ठीक कर ली, बड़ों को सम्मान दे दिया, जो एक्सपीरियंस नेता उनको सम्मान दे दिया, तो आज की डेट में भी पासा पलट सकता है। और ये राजनीति है, राजनीति के गेम में कभी आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कल सुबह को क्या होने वाला है, शाम को क्या अपडेट आने वाला है, ये गेम ही इस तरीके का है, संभावनाओं का पूरी तरह से खेल है। और जिस तरह से हरियाणा ने रिजल्ट दिए हैं उससे साफ और स्पष्ट होता है कि अब इंडिया गठबंधन कैसे मोटिवेटेड रह पाएगा। अब रणनीतियां बदलनी होगी, समीकरण बदलने होंगे, ओवर कॉन्फिडेंस को खत्म करना होगा और हतोत्साहित इंडिया गठबंधन पहले से ही उन सब लोगों में डिवीजन है, वो कैसे आगे बढ़ेगा ये बहुत बड़ा सवाल होता है। अब दिल्ली के लिए केजरीवाल पे भी मुश्किलें आएंगी क्योंकि दिल्ली भी हरियाणा से सटा हुआ है। अब मुश्किलें आगे वाले इलेक्शंस में जो गठबंधन हो रहे थे इंडिया गठबंधन में महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक, उसमें भी मुश्किलें आएंगी और बीजेपी के लिए फिर से एक नई स्फूर्ति का दौर आ जाएगा। देखना ये होगा कि पायलट का चढ़ता हुआ सूरज कैसे चढ़ा रहे हमेशा, उसके लिए वो क्या आगे करते हैं और क्या उपचुनावों के राजस्थान के रिजल्ट्स फिर से जान फूंक पाती है इंडिया गठबंधन के हतोत्साहित होने के पूरे वातावरण में, ये देखने वाली बात। इन सवालों का जवाब तो आने वाला समय ही दे पाएगा, लेकिन अगर आपने सुना है पूरा वीडियो, देखा है पूरा विश्लेषण, तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फटाफट आप क्या सोचते हैं, इन क्वेश्चंस का जवाब अगर आपके दिमाग में आता है तो लिखिएगा जरूर, इंतजार रहेगा आपके जवाब का। और ये बताना ना भूलिएगा कि कैसा लगा वीडियो, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I'm here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.